हमारे आदरणीय निर्देशक महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित सारे शिक्षकगण, आज मैं अपने हर्षित मन के साथ शिक्षक दिवस के उपलक्ष में आप लोगों के बीच दो शब्द कुछ बोलने आया हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम काफी हर्षित हो रहे हैं कि अचानक हम लोगों के पूर्ण सक्रियता के अभाव में भी बच्चे जिस प्रकार से अपने आप को पूर्ण तैयारी करने का मादा दिखाए हैं इतने कम समय में, इतने अल्प समय में, कि लगता है कि यदि हम लोग पूर्ण रूप से सक्रिय रहें तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारा विद्यालय प्रबंधन के सहयोग के कारण जो है बच्चा जो श्रेष्ठता के उस शिखर पर पहुंचा सकता है जहां तक हम लोग आकांक्षा भी नहीं कर सकते। आज हम जिस विराट व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस विराट व्यक्तित्व का जो है साहित्य और दर्शन से एक बहुत बड़ा लगाव था। आज भले वो मेरे बीच नहीं है, आज उनके साहित्य और दर्शन का जो समायोजित स्वरूप भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर देखने को मिला, इसके कारण जो है वह भारत के एक मूर्धन्य हस्ताक्षर में गिने जाते थे। आज जिस परिपाटी में भारतीय दर्शन का जो स्वरूप दिखता है उसमें एक बहुत बड़ा अतुल्य योगदान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का रहा है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान हिंदू धर्म के और पाश्चात्य संस्कृति के बीच जो सामंजस्य बिठाया उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म पाश्चात्य संस्कृतियों के ऊपर हमेशा सफलता के शिखर पर विराजमान है। आज जहां तक एक शिक्षक और शिष्य की परंपरा का बात है, यह शिक्षक शिष्य की यह परंपरा जो है हम संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक प्राचीनता का स्वरूप लिए हुए है और ये हमें विरासत में मिली है। आज इसी विरासत को कायम करते हुए हमें अपने आत्मबल को जगा करके अध्यात्म के प्रति जो है जुड़ाव को रख करके अपने बच्चों के प्रति, जो बच्चों का कुंठित मन है, जो बच्चों का नैराश्य मन है, उसको दूर करके जो है आशा की एक नवोदित किरण को जगाने का प्रयास करना होगा। क्योंकि शिक्षक जो होता है वह समाज के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक के ज्ञान रूपी प्रतिबिंब में जो है शिष्यों का हमेशा चेहरा दिखाई देता है। शिष्य जो है हमेशा अपने ज्ञान की प्रतिछाया में चलना चाहते हैं। सज्जनों, जहाँ तक गुरु शिष्य की बात लिया जाता है, गुरु जो है शिष्य के अंदर जो भी मनोविकार है उसको दूर करके अपने नैतिक विचारों का समावेशित करते हैं और नित्य नए ज्ञान को देने का काम मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए सज्जनों, आज हम अल्प अवधि में भी कार्यक्रम का जिस सफल रूप में संचालन कर रहे हैं, आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा बच्चों के हित के लिए कि और बच्चे को प्रत्येक कार्यक्रम के संचालन के लिए एक निश्चित अवधि दे और प्रत्येक शिक्षकों की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि कला जो होता है एक विशेष क्षेत्र होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अद्भुत कला छिपी हुई रहती है जिसका कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से समय के साथ दिखाई देता है। आज हम सबों ने इस बात को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करने का प्रयास किया है कि थोड़ा सा पूर्ण रूप से नहीं, यदि आंशिक रूप से भी हम अपने के बच्चों के बीच में यदि उपस्थित होकर के 2 मिनट का समय देते हैं और बेहतर से चलने का प्रयास करते हैं तो स्वतः बच्चे जो है मेरे पीछे चलने का भी सफल प्रयास करते हैं। इसलिए आज शिक्षक दिवस इस अवसर पर वास्तविक में सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इन महान चिंतक के बीच, इन महान चिंतकों की जो विचारधारा थी वो इस रूप में है। इनका एक महत्वपूर्ण कुछ विचार सुझाए गए हम भारतवासियों के लिए कि मानवता को हमें उन नवीन जड़ों तक पहुंचाना है जहां से हमें अपनी स्वतंत्रता व अनुशासन का उद्गम उद्घोष हो। इसलिए सज्जनों, हमें अनुशासित ढंग में रह करके ही
अपने जीवन में रह करके अपने नियंत्रित और संतुलित व्यवहार के कारण ही अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें, क्योंकि ज्ञान के रहते भी बिना लक्ष्य निर्धारण के जो है मार्ग से लोग भटक जाते हैं। आप अपने जीवन में एक सच्चे लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है दिन रात अनवरत मेहनत करें, संघर्ष करें। इसका प्रतिफल और परिणाम एक दिन जो है सफलता ग्रुप में हम सबों के बीच मिलेगा। धन्यवाद।